Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज हम बनाएंगे अंडे की न्यू रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस होगी. तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक पैन रखेंगे, इसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे. पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे. ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इसमें 2 बिग साइज की चॉप करके ओनियन हमें इसमें ऐड कर देना है. इसे अच्छे से हम स्टर कर लेंगे. इसे हम सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, इसका कलर चेंज हम नहीं करेंगे. आप देख सकते हैं ओनियन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है. अब इस स्टेज पे हम ग्रीन चिल्ली ऐड कर लेंगे. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे चॉप करके ऐड कर सकते हो. यहाँ मैंने 4 ग्रीन चिल्ली को अच्छे से कट करके इसमें ऐड कर ली हूँ. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो. इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे. सिर्फ 1 मिनट इसे और अच्छे से होने देंगे. हमारा 1 मिनट कम्प्लीट हो चुका है. अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टोमेटो कट करके इसमें ऐड कर लेंगे. और इसे स्टर कर लेंगे. 1 मिनट हम टोमेटो को भी अच्छे से होने देंगे. एक मिनट कंप्लीट हो चुका है हमारा. हमें टोमेटो को सॉफ्ट नहीं करना है, बस 1 मिनट हमें इसे फ्राई कर लेना है. और उसके बाद अब हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे. 1/2 टेबल स्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हो. 1/4 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे. और 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे हम. और 1/2 कप हम कर्ड्स ऐड कर लेंगे, मतलब 3-4 स्पून हम कट्स ऐड कर लेंगे. अब इन सबको अच्छे से हम स्टर कर लेंगे. अब गैस की फ्लेम को लो करके इसे कवर कर लेंगे हम और इसे अच्छे से होने देंगे. इसमें 2 या 3 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से हो जाए. अब उसके बाद हम 4 एग को अच्छे से बॉईल कर लेंगे. फिर उसके बाद हम एक एग कटर लेंगे. फिर उसके बाद हम एग को इस तरह से रख लेंगे. उसके बाद ये कट हो गया है. उसके बाद हम इसे साइड में रख लेंगे. इसी तरह से हमें चारों अंडों को कट कर लेना है. अब हम इस कटर में एग को इस तरह से रख लेंगे. इस तरह से हम कट कर लेंगे इसे. अब ये कट हो चुका है, इसे हम साइड में रख लेंगे. इस तरह से हमें सबको कट कर लेना है. अब हम इस तरह से एग को रख लेंगे और इस कटर में अच्छे से कट कर लेंगे. अब इसे हम साइड में रख देंगे. अब इसी तरह से हम सबको कट कर लेंगे. हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है. इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे. अब इस तरह से हम एग को इसमें रख लेंगे. हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे.
अब कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके इसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे, फिर इसे अच्छे से हम स्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो एग को कट करके रखे थे इसे ऐड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ मैंने सारे एग को अच्छे से रख ली हूँ। हमने ऑयल को एग के ऊपर से अच्छे से डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर कोरिएंडर कट करके इसे अच्छे से डाल लेंगे। तो हमारी एग की रेसिपी रेडी है। आप भी बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।